brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चाहिए तो आवास योजना चाहिए तो 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। सरकार गिराने को लेकर हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रहने वाले सिंधिया ने सबके सामने आकर बता ही दिया कि सरकार क्यों गिराई थी। शुरुआत में मैंने आपको बात सुनवाई और ये भी दिखाया कि जुतराय सिंधिया सरकार गिराने की वजह बता रहे हैं और वो भी जनता के बीच में। ऐसे तो सियासी सवाल पर कई बार जब उनसे पूछा गया कि सरकार क्यों गिराई तो वो अपना उत्तर देते ही हैं, लेकिन इस बार जनता के बीच भरे मन से जुतराय सिंधिया ने कह दिया कि सरकार क्यों गिराई थी कांग्रेस की। तो जुतराय सिंधिया के मुताबिक लाडली बहनों को पैसे मिले इसलिए उन्होंने सरकार गिराई थी। इतना ही नहीं, उनके निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी थे और वो केंद्र सरकार की उपलब्धि भी गिना रहे थे। एक बार और सुनिए। चाहिए तो आवास योजना चाहिए तो 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। आज भाषण देने आ रहे गुलार शिवपुरी, अरे मैंने अंदर से उनको देखा है जैसे वे अपने आप को भी नहीं जानते मेरे भाइयों। 17 साल मैंने भी भुगता है, जोड़ी तो जुतराय सिंधिया को आपने सुना सरकार गिराने की वजह बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि लाडली बहनों से लेकर किसानों के लिए जो राशि मिल रही है अगर वो बीजेपी में नहीं जाते या बीजेपी की सरकार नहीं देती तो ये लाभ नहीं मिलता। कांग्रेस में रहते हुए कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह ये सब कुछ नहीं करते जो अब हो रहा है। दरअसल अब जो हो रहा है वो चुनावी घमासान भी है और गुना में पूरे जोश में नजर आ रहे हैं जुतराय सिंधिया। गुना क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे जुतराय सिंधिया, इसी बीच उन्होंने सरकार गिराने के मसले पर अपनी राय रख दी और जनता के बीच बता दिया। दरअसल क्यों? क्योंकि जुतराय सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस हमेशा इस सरकार गिराने वाले अध्याय को लाती है और ये संदेश देती है कि जुतराय सिंधिया अपने स्वार्थ की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। वहीं जुतराय सिंधिया भी अब खुलकर पलटवार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने की असली वजह क्या थी। लाडली बहनों का जिक्र कर रहे हैं, किसानों का जिक्र कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के रहते हुए ये योजनाएं मध्य प्रदेश में प्रभावी नहीं होती और इस तरीके से लाडली बहनों को लाभ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव की तरह लाडली बहना अभी भी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि लाडली बहना हो या किसान, जुतराय सिंधिया के निशाने पर कांग्रेस की उस दौर की कमलनाथ सरकार है जिसे वो घेर रहे हैं और कांग्रेस को करारा जवाब भी दे रहे हैं कि सरकार गिराने पर जो उनको घेरा जाता है उसकी वजह वो खुद ही अब जनता के बीच बताने लगे हैं। आप देखते रहें पिता।